Hello everyone, this is Fatima Simfawala Akulawala from Institute of Skill Development and Training, Nasik. Today, I'm going to take a topic on trial frame. Okay, so this will be a very short video explaining what is a trial frame and its components of the trial frame. अब ये जो है trial frame, ये सबसे common वाला trial frame है, तो हम सभी लोग use कर सकते हैं. और सभी लोग यूज करते भी हैं, ठीक है. अब ये जो पार्ट है वो है आपका नोज ब्रिज एडजस्टमेंट पार्ट. फिर ये जो पार्ट है वो है आपका हाइट. आपको हाइट नोज के ऊपर कितना बिठाना है, ठीक है. हर एक ट्रायल फ्रेम में चार चेंबर होते हैं, ये एक, ये दो, तीन और पीछे एक चार, ठीक है. और ये है आपका टेम्पल. ये सबसे कॉमन जो ट्रायल फ्रेम जो हर ऑप्टिशियन यूज कर सकते हैं, ये वो वाला ट्रायल फ्रेम है. अभी ये ट्रायल फ्रेम में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. ये जो आप डिनोशंस देख रहे हैं वो एक्सेस के लिए है सभी, ठीक है. तो आप जब भी रिफ्रैक्शन करते हैं तब आप अपना स्फेरिकल पावर ये वाले चेम्बर में डालेंगे और उसके बाद सिलेंडर पावर ये वाले चेंबर में डाल सकते हैं. और ये जो ऊपर ये ऐसे तीन जो होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ आप अपना जो भी रिफाइनमेंट पावर है, जैसे 0.25 कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी करना है, वो यहाँ डाल के आप कस्टमर को दिखा सकते हैं. अगर कस्टमर को ज़्यादा प्लस या माइनस नंबर है, मतलब हाई प्लस या हाई माइनस नंबर है, तो फिर उसका पीछे का चेंबर यूज कीजिए, ताकि उसका वर्टेक्स डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो आपका जो इमेज मैग्निफिकेशन या मिनिफिकेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है. तो ये है, हो गया आपका ट्रायल फ्रेम का कंपार्टमेंट्स या चेंबर्स. फिर दूसरे तरीके के जो ट्रायल फ्रेम्स है वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी. ठीक है, ये जो है ये फुल अपर्चर ट्रायल लेंस के लिए यूज किया जाता है. ये वो वाला ट्रायल फ्रेम है, ठीक है. इसका एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं पूरा अलग है, और ये फुल अपर्चर लेंसेज के लिए यूज किया जाता था. ये पहले यूज किया जाता था, अभी इतना यूज नहीं किया जाता है, पर हाँ अगर कुछ स्पेशलाइजेशन है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ये ट्रायल फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है. अब दूसरा हम देखते हैं, सॉरी, ये जो है ये एक ट्रायल फ्रेम है जो फिक्स ट्रायल फ्रेम है, जिसका आईपीडी मेजरमेंट 52 है, ठीक है. ये भी यूज करते हैं. और दूसरा जो स्पेशल ये ट्रायल फ्रेम में है वो है ये इसके नॉब, ठीक है. इसको एक्सिस रोटेशन के लिए यूज किया जाता है. ये एक्सिस नॉब है, दो मिनट में आपको वापस दिखा देती हूँ. ठीक है, ये जो दो नॉब्स है वो है एक्सिस घुमाने के लिए, ये दोनों नॉब्स यूज किए जाते हैं, ठीक है. ये स्पेशल फ्रेम है जो एक्सिस रोटेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये फिक्स्ड आईपीडी 52 आईपीडी के लिए ही यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं. ये जो है ये है पीडियाट्रिक ट्रायल फ्रेम, ठीक है, जो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं. तो बच्चे 5 साल के नीचे होते हैं, उनका फेस छोटा होता है, ठीक है. तो इसके लिए हम इतनी बड़ी फ्रेम बिठा नहीं सकते, और वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो हमारे लेंसेज भी हिलते रहेंगे और फ्रेम गिरने का भी डर रहता है. इसके लिए ये पीछे एक बैंड आता है जो हम सिर के ऊपर ऐसे उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपने देखा टाइप्स ऑफ योर ट्रायल फ्रेम, द चेम्बर्स विच यू कैन यूज इन योर ट्रायल फ्रेम्स एंड हाउ दे हैव टू बी used. Thank you. अगर आपको मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ISD इंडिया को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. थैंक यू.